आत्मबंधन फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल स्वाध्याय के सेशन में। फ्रेंड्स आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो बुक हमने स्टार्ट की है द गोल्डन लेक। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में हमने साशाज पिरामिड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी और आज हम जो है लायरेंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बुक की जो लाइन है मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, द विजडम फ्रॉम द स्टार्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये विजडम जो है फ्रेंड्स हमें कहाँ बाहर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं वहाँ से हमें ये विजडम मिल रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बुक के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ये बुक जो है 1989 में पब्लिश हुई थी और इसकी जो ऑथर हैं वो है लाइजा रॉयल होल्ट और ये चैनलिंग के थ्रू सारी जो इन्फॉर्मेशन विजडम है वो हमारे पास में चैनलिंग के थ्रू आई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी पावरफुल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अगर आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि एकदम डायरेक्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ह्यूमैनिटी के लिए कि और जो प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं उन्होंने कैसे इवॉल्व किया है। तो मुझे मेरे हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन जो विजडम हमें मिली है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसको समझ पाएँ और इसको यूज़ कर पाएँ, इसको अपने जीवन में उतार पाएँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ये जो बुक की ऑथर हैं वो ये भी बताती हैं कि आफ्टर मिलेनियम ऑफ ईयर्स, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारे जो स्टार फैमिली है सीरियंस हैं और प्लीडियंस एंसेस्टर्स हैं वो लोगों ने वो बीइंग्स ने दोबारा से ये जो विजडम और टीचिंग्स हमें देनी शुरू की है फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर से शुरू किया है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टाइम है ये कितना कितना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट? और हम सबको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है फ्रेंड्स। ये हमारी ऑथर है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं सामने, इनका नाम लाइजा रॉयल होल्ट है। ये एक चैनलर हैं, चैनल करती हैं, सेमिनार लीडर भी हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी कर चुकी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी, आप अगर आप गूगल करते हैं इनका नाम तो यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर। वो एक कॉन्टैक्ट रिसर्चर की तरह काम कर रही हैं 1985 से। सो कॉन्टैक्ट रिसर्चर्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? कॉन्टैक्ट जिन जिनका या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से या फिर चैनलिंग के थ्रू। तो ये इसमें भी अपना अपना काम कर रही हैं फ्रेंड्स। उनकी काफ़ी बुक्स आई हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट बुक उनकी प्रिज्म ऑफ लायरा है जो 1989 में आई थी। फिर हमारी गोल्डन लेक आई, उसके बाद विजिटर्स फ्रॉम विद इन दूसरी बुक है फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्टैक्ट। एंड उन्होंने गैलेक्टिक हेरिटेज कार्ड्स भी पब्लिश किए हैं फ्रेंड्स। ये एक को डायरेक्टर भी हैं, इनका एक स्कूल है सीड ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट है जिसकी ये को डायरेक्टर हैं और एक सोलाई स्कूल भी है जिसकी ये को डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स। ये वैसे तो अमेरिकन है, आई मीन शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, लेकिन ये जहाँ तक मैंने रिसर्च की है ये ज़्यादा से ज़्यादा जापान में रहती हैं, वहाँ पे क्लासेस लेती हैं और वहाँ पे अपना काम कर रही हैं। ये यूएस भी विजिट करती रहती हैं, बट जहाँ तक मैंने देखा है ये मैक्सिमम जो है जापान में रिसाइड करती हैं। फ्रेंड्स तो सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको ये मान लेना चाहिए, हम सबको ये वेलकम करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं फ्रेंड्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उन स्पीशीज़ को मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी बुद्धि है, कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी स्पीशीज़ हैं।
क्योंकि एक यूनिवर्स है, फिर दूसरा यूनिवर्स है, फिर तीसरा यूनिवर्स है। तो ये जो हम अपनी गैलेक्टिक फैमिली के बारे में जो बात करेंगे वो हमारे यूनिवर्स से है, और हमारे यूनिवर्स में ही पता नहीं कितनी स्पीशीज है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी स्टार फैमिली भी है और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, जो एक ही सोर्स से आए हैं। ये हमें समझना, एक्सेप्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो यहाँ पर मिस लाइजा बोलती हैं, या उनके थ्रू बुलवाया गया है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितनी स्पीशीज़, नॉट जस्ट ह्यूमन और एनिमल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी मदर अर्थ और अर्थ प्लेन, यहाँ पर बात हो रही है जो बाहर की, जो आउट ऑफ अर्थ स्पीशीज़ हैं। हर एक स्पीशीज़ जो है वो उसी रास्ते से निकली है जिस रास्ते से हम निकल रहे हैं, जिस रास्ते से अभी मदर अर्थ निकल रही है। और मिस लाइजा बोलती हैं कि हर एक स्पीशी का एक सिग्नेचर चैलेंज था, और उसको हील, जब उन्होंने हील किया, दैट हेल्प देम हु दे वर। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो स्पीशी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इवॉल्व होने में वो सिग्नेचर चैलेंज जो है उसने हेल्प की। एंड थ्रू चैनलिंग फ्रेंड्स, और इन सम केसेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज वेल, ये जो हमारी गैलेक्टिक फैमिली है, ये अब हमारे साथ बहुत ही दिस डीपर इंफॉर्मेशन, इमेजिन कीजिए, वो अपने एवोल्यूशन के इंफॉर्मेशन को हमसे शेयर कर रही हैं ताकि हम सीख सकें, ताकि हम हील हो सके। जो हम असेंशन की बात करते हैं मदर अर्थ की, वो हम कर सके फ्रेंड्स। तो जो लेसन्स हैं ये बहुत 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 वैल्यूबल हैं फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत प्रोफाउंड हैं, और ये इट्स वेरी काइंड ऑफ देम, यू नो, ये दे आर सो मच फुल ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी कि वो इतनी सारी विजडम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो खड़े होकर देख सकते हैं, राइट? बट नो, दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस। सो दिस इंफॉर्मेशन, दीज लेसन्स, दे आर रियली रियली प्रोफाउंड एंड वेरी वैल्यूबल टू हेल्प अस ऑन अर्थ फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पथरी सर जो थे वो भी आई थिंक मदर अर्थ पे इसी चैलेंज को, हमारे, हमें हेल्प करने के लिए आए थे, हमें जगाने के लिए आए थे इसी चैलेंज को, ताकि हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकें फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं मदर अर्थ की, या तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यू नो, बिकॉज अगर हम अच्छे स्टेप्स, सही स्टेप्स नहीं लेते, तो हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम अलग रास्ते, दूसरे रास्ते जा सकते हैं, जो कि अवेकनिंग का है फ्रेंड्स। और उसके लिए फ्रेंड्स, वी कैन यूज़ ऑल द हेल्प। तो वी शुड एक्सेप्ट कि इस बुक के थ्रू जो भी हमें विजडम मिल रही है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो बुक है गोल्डन लेक, ये पथरी सर ने अपने जो सीनियर मास्टर्स हैं उनको सजेस्ट की थी फ्रेंड्स। आपने दीप्ति मैम के अगर प्रेजेंटेशंस देखी हैं तो उसमें वो ज़रूर बोलती हैं कि भाई ये जो बुक है पथरी सर ने रेकमेंड की थी, और इसको समझने के लिए मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। बट बहुत ही वंडरफुल बुक है फ्रेंड्स, आई कनेक्ट टू दिस बुक अ लॉट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस बुक में जो है दो तरह की टीचिंग्स हैं फ्रेंड्स, एक तो फेमिनिन टीचिंग्स हैं और एक मैस्कुलिन टीचिंग्स हैं। फेमिनिन टीचिंग्स जो हैं फ्रेंड्स, ये आती हैं हमारी प्लेडियन फैमिली से, और यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, ये जो प्लीडियन टीचिंग्स हैं, ये हमारी प्लीडियन फ्रेंड साशा के थ्रू, जो जो हमारी ऑथर है मिस लाइजा, उन्होंने चैनल की है फ्रेंड्स। और ये चैनल उन्होंने 1988 से वो चैनल साशा को अपने थ्रू चैलेंज कर रही हैं। सो दिस इज़, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स। और साशा ये भी बोलती हैं
या इस बुक में बताया गया है कि जो फेमिनिन एनर्जी है फ्रेंड्स, फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मदर अर्थ, फॉर ह्यूमैनिटी टू वर्क अपॉन। तो और फेमिनिन, अगेन फेमिनिन मैस्कुलिन हमें किसी जेंडर में नहीं लेना है। फेमिनिन एनर्जी हम सब में फेमिनिन एनर्जी भी है और मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो अभी जो मदर अर्थ है उसको फेमिनिन एनर्जी पे अपना फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी टीचिंग्स दी गई हैं वो है मैस्कुलिन टीचिंग्स, और वो कहाँ से आई हैं फ्रेंड्स, वो हमारे सीरियन फैमिली से आई हैं। सीरियन एम्बेसडर हैं, हमॉन है उनका नाम, और उन्होंने 2013 से ये कम्युनिकेशन शुरू की थ्रू आर ऑथर मिस लाइजा, और उन्होंने अपनी मैस्कुलिन टीचिंग्स शेयर की। और अभी जैसे मैंने बोला कि मदर अर्थ पे ह्यूमैनिटी के लिए फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन टीचिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, बट फ्रेंड्स हमें, हम मैस्कुलिन टीचिंग्स को भी हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक बैलेंस की ज़रूरत है। अगर फेमिनिन टीचिंग्स भी ज़्यादा हो जाएंगी वो भी हमारे एवोल्यूशन को स्टॉप करती हैं, तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बुक में जो सीरियन एम्बेसडर हमॉन हैं उनके थ्रू जो मैस्कुलिन टीचिंग्स मिली गई हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये हमारे इमोशनल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बैलेंस जो है दोनों एनर्जीज में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक और इसमें कॉम्पोनेंट जो है वो ऐड किया गया है, और ये जो कॉम्पोनेंट है फ्रेंड्स ये हमारे प्लैनेट मार्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये भी बताते हैं कि एक जो प्लैनेट मार्स है इसका क्या रोल है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक आएगा फ्रेंड्स, बट आई वांटेड टू शेयर कि यहाँ पर प्लैनेट मार्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन विजडम शेयर की गई है। और ये किसके थ्रू आई है, जर्मेन, उन्होंने नाम बताया है। जो जर्मेन है फ्रेंड्स वो एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल ग्रुप कॉन्शियसनेस सिस्टम है। तो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है, ये एक बंदे से या एक बीइंग से नहीं आई है ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी जब हमने पिरामिड ऑफ एक्सपीरियंस, आशास पिरामिड ऑफ एक्सपीरियंस हमने शेयर किया था। तो इसमें यहाँ पर हम जो बुक है जहाँ पर शुरू की जाती है, मैं जैसे बुक का नाम है गोल्डन लेक, तो मैं थोड़ा सा उस पर और बात करना चाहूँगी। सो जो गोल्डन लेक है फ्रेंड्स, ये गोल्डन लेक जो एक ह्यूज वननेस की कॉन्शियसनेस है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था इसको आप गॉड भी बोल सकते हैं, परमात्मा भी बोल सकते हैं, जो भी नाम है अल्लाह भी बोल सकते हैं। तो ये गोल्डन लेक जो है उसको नाम दिया गया है, और गोल्डन लेक से सब तरह की जो हमारी एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम द गोल्डन लेक, एवरीथिंग 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 कम्स आउट फ्रॉम द गोल्डन लेक, ये हमें समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि जो गोल्डन लेक थी वो वननेस की कॉन्शियसनेस है, लेकिन वहाँ पर कुछ लगा गोल्डन लेक में, वो जो वननेस की कॉन्शियसनेस थी उसमें कुछ ना कुछ हलचल हुई, और आई गेस एक थॉट आया कि मुझे एक्सपीरियंस लेने हैं, मुझे विजडम लेनी है। तो वहाँ पे जो है ये फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स अलग होना। तो वहाँ से जो है फ्रेगमेंटेशंस स्टार्ट हुए, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद आर्केटाइप्स आए। व्हाट इज आर्केटाइप फ्रेंड्स, आर्केटाइप्स इज लाइक जैसे आप बोलेंगे कोई कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उसमें से उस वननेस में से कुछ कॉन्शियसनेस बाहर आई, कुछ 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 तरह की। तो एक कॉन्शियसनेस जो थी उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था, फिर दूसरी कॉन्शियसनेस का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक था, तीसरी कॉन्शियसनेस का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक था। तो ऐसे ऐसे करके फ्रेगमेंटेशन से डिफरेंट आर्केटाइप्स बाहर निकली, और जैसे ही आर्केटाइप्स बाहर निकलती है फ्रेंड्स तो पोलैरिटी का जन्म होता है।
क्योंकि अब वननेस नहीं है, अब वननेस से बाहर आर्केटाइप्स आ गए. एक वननेस है, एक गोल्डन लेक है, लेकिन फिर ये गोल्डन ड्रॉप्स है, तो ये एक तरह की पोलैरिटी बन गई फ्रेंड्स. और ये साशा बोलती हैं कि जो आपकी स्टार फैमिली है, जो हमारी स्टार फैमिली है, जो प्लीडियंस हैं, लायरन्स हैं, जो भी हमारे आसपास जो हैं इस यूनिवर्स में, वो कहती है कि उन सब की एक एक आर्केटाइप है, इंक्लूडिंग यू गाइस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो आपकी भी अपनी आर्केटाइप है. और ये जो आर्केटाइप्स हैं, ये सब मेन थीम्स हैं जो कि वो वननेस की कॉन्शियसनेस को बनाती हैं, और जो वननेस की कॉन्शियसनेस से बाहर आई हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर. फ्रेंड्स, पत्री सर ने हमें कितना सिखाया कि हर एक आत्मा जो यहाँ धरती पर है वो एक्सपीरियंस लेने आई है. वो एक्सपीरियंस, तरह तरह के जो उनके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो उनको लेने आई हैं. हम सब उस एक्सपीरियंस को लेने आए हैं ताकि हम लेसन सीख सकें, हम विजडम ले सकें और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकें. तो यहाँ पे जो आर्केटाइप्स जो बाहर निकली गोल्डन गोल्डन लेक से, सेम सेम बैकग्राउंड, सेम फोकस है कि एक्सपीरियंस लेना है. और जैसे मैंने बोला कि अब जब एक बार आर्केटाइप्स बाहर आ गई और पोलैरिटी हो गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक पैराडॉक्सिकल स्टेट आती है. पैराडॉक्सिकल स्टेट मतलब कि जो है भी और नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब वी आर वन. हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक ही परमात्मा से आए हैं. हम वो गोल्डन ड्रॉप हैं जो हम एक परमात्मा से बाहर निकले हैं. तो हम सब एक ही हैं, जो हमारा बेस है, हम सारे के सारे पांच धातुओं से बने हुए हैं, राइट? आप सबको वो धातु पता है. तो अगर हम फायर, वाटर, एयर, ईथर और फिफ्थ वाला जो है बने हुए हैं, तो अगर हम सबसे बने हैं तो हम सब एक हैं, राइट? हम अगर परमात्मा से सब आए हैं तो हम सब एक हैं. लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, अलग अलग हमारे जीवन है, अलग अलग हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो हम अलग भी नहीं, तो हम अलग हैं, हम एक नहीं हैं. तो ये पैराडॉक्सिकल हो गया, हम एक हैं भी और एक नहीं भी हैं. तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल. तो यहाँ पर जो गोल्डन लेक है, अब गोल्डन लेक वननेस है, लेकिन उससे बाहर ये आर्केटाइप्स आ गए और आर्केटाइप्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और जो वननेस कॉन्शियसनेस है, वहाँ का भी अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ का भी अपनी जो एक वननेस कॉन्शियसनेस की एक्सपीरियंस है. तो अब जो है वो गोल्डन लेक जो है आर्केटाइप्स के थ्रू दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस ले रही है, पोलैरिटी का भी और वननेस का भी. समझने वाली बात है फ्रेंड्स. और यहाँ पर ये भी बताया गया है फ्रेंड्स कि जो फ्रेगमेंटेशन हुई, जो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुई, उसकी जो एनर्जी थी, जो सबसे पहले जो आर्केटाइप निकले वहाँ से गोल्डन लेक से, उनकी जो एनर्जी थी वो मैस्कुलिन एनर्जी थी, मैस्कुलाइन एनर्जी थी. और ये कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी से अलग होना, किसी से अलग होने के लिए आपको मैस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो नथिंग इज रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस ब्रह्मांड, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. तो जो पहली स्पीशी बाहर आई, पहली आर्केटाइप बाहर आई, उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और वो उनको चाहिए थी अपने से बाहर आने के लिए, अपने आप को एक आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक एंकर की तरह काम काम किया उस मैस्कुलाइन एनर्जी ने. और जो सबसे पहले आर्केटाइप्स थे फ्रेंड्स, वो थे हमारे फ्रेंड्स, हमारी स्टार फैमिली लायरंस. लायरंस फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं वो पहली आर्केटाइप, पहली फैमिली थी जो बाहर आई, तो वो कितने ज़्यादा एंशियंट हैं, उनके पास कितनी विजडम होगी फ्रेंड्स. लायरंस जो सनशाइन बिफोर द डॉन बुक है, उसमें बताया गया है कि लायरंस जो हैं वो 12th डायमेंशन बीइंग्स हैं. हम लोग 3D,
थर्ड डायमेंशन बीइंग्स हैं फ्रेंड्स, या आप फोर, कुछ जो बीइंग्स हैं 4D में भी हैं, लेकिन अब 3 डायमेंशन, मोस्ट ऑफ ऑल 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और लायरेंस जो हैं वो 12 डायमेंशन बीइंग्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व स्पीशी है फ्रेंड, और वो हमसे, उनके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि उन्होंने, उनके क्या चैलेंजेस थे और उन्होंने कैसे उसको पार किया। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं एज अ ह्यूमैनिटी फ्रॉम लायरेंस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लायरेंस के बारे में बात करते हैं। जो लायरेंस हैं फ्रेंड्स, उनकी, जैसे मैंने बोला कि उनकी मैस्कुलाइन आर्केटाइप थी अर्ली लायरेंस की, वो बहुत ही सोलर प्लेक्सस ड्रिवन थे। सोलर प्लेक्सस हम सबको पता है, हमारा चक्रा, तो वो बहुत ही सोलर प्लेक्सस ड्रिवन थे। उनकी उनकी जो, जैसे मैंने बोला कि उनको मैस्कुलिन आर्केटाइप ज़रूरी भी था, और अपसाइड क्या था मैस्कुलाइन आर्केटाइप होने का, वो बहुत ही फियरलेस थे, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है, दे वर वेरी फियरलेस, उन बहुत ही करेजियस थे, उनमें ग्रेट सेंस ऑफ ड्यूटी थी, एंड ऑलमोस्ट एक ब्लाइंड फोकस था कि बस आगे 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 बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डाउन साइड्स क्या थी फ्रेंड्स, कि जो अगर आप एक ही पॉइंट में देख रहे हैं, आप और कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो आप में वो, आप एक एरोगेंस आ जाती है, एंड देयर इज दिस पुशीनेस कि पुश 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 करते रहो, और एक एरोगेंट कि हम, वी डोंट केयर व्हाट हैपेंस बिसाइड अस, हमें तो बस ये काम करना है और यही काम करना है। और एक ईगो भी आ जाती है। अगर आप फ्रेंड्स अपने आसपास देखें, अपनी जो आपके आसपास की दुनिया है, आप उसमें देखिए कि आप कैसी एनर्जी आप फील करते हैं, इज इट मैस्कुलाइन एनर्जी या फिर इज इट फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, तो उनको उनका जो बिगेस्ट, यही उनका बिगेस्ट चैलेंज था कि उनको एक संयम सीखना था, एक टेम्परेंस सीखनी थी, जो वो पुशीनेस पुशीनेस करते रहते हैं, उनको वो सीखना था। तो यही उनका सबसे बड़ा अवेकनिंग प्रोसेस का उनका चैलेंज था। और अगर वो साशा बोलती हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी को देखें अभी, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पाएंगे लायरन आर्किटाइप से। थ्रू आउट आर हिस्ट्री फ्रेंड्स, हमने देखा है कि वी हैव हर्ड दिस वंडरफुल स्टोरीज ऑफ दिस नोबल वॉरियर्स, पायनियर्स, जो कि विल्डरनेस पे जाकर लड़ाइयाँ कर कर ये जीत गए, जैसे अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम उनको देखें, तो हम देख सकते हैं कि वही सेम कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे लायरन फ्रेंड्स में थे, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें भी हैं, राइट? साशा यही बता रही है कि जो लायरन का आर्केटाइप है, वो आपके अंदर भी है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी में भी है। और ये जो लायरन्स के थे, ये स्ट्रेंथ्स थे जो हमारे ह्यूमंस में भी हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी कि आप महात्मा गांधी के बारे में सोचिए फ्रेंड्स। आई विल गिव यू फूड ऑफ थॉट। महात्मा गांधी की क्या एनर्जीज थी फ्रेंड्स? वॉज इट मैस्कुलिन एनर्जीज और वॉज इट फेमिनिन एनर्जी? आप इसके बारे में सोचिए। और अगेन, जो इनका चैलेंज था, कि इनको संयम सीखना था, टेम्परेंस सीखना था आगे बढ़ने के लिए, वो जो फेमिनिन कैरेक्टर है उसको अपने अंदर लेकर आना था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अर्ली अर्ली लायरन सिविलाइजेशंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने ट्रैवल किया, दूर दूर स्टार्स में गए, कॉन्स्टलेशंस में गए। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वो पोलारिस में गए, अर्सा मेजर में गए, सिग्नस में गए, अगर आपने इनके नाम सुने होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट दूर दूर तक उन्होंने ट्रैवल किया, और वो ट्रैवल उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी
को लेकर था, जो कि उनको वो पुश करते करते उन्होंने बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके स्प्रेड हो गए, तरह तरह के कॉन्स्टलेशंस में जाकर वो बस गए। और यहाँ पे बताया गया है कि जो जर्नी ह्यूमन की जर्नी है वो भी सेम है। अगर हम देखें तो ह्यूमन ने कैसे कहाँ से शुरू किया था और कैसे स्प्रेड होके पूरी मदर अर्थ पे हम लोग फैले हुए हैं। उनको जो है एक बैलेंस चाहिए था, उनकी जो इनर मेल और फीमेल एनर्जीज थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगेन हम लोग बात कर रहे हैं कि जो उनकी एक डूइंग 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 मतलब करी जा रहे हैं उस एनर्जी में, और जस्ट लेट इट हैपन उस एनर्जी में उनको बैलेंस की ज़रूरत थी। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है फ्रेंड्स वो है लेट इट गो, रिलैक्स, यू नो, मूव विद द यूनिवर्सल फ्लो, दैट इज द फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पर उनको वो बैलेंस की ज़रूरत थी। और साशा कहते हैं कि वो लायरस जो है एक पॉइंट आ गया उनकी डेवलपमेंट में कि वो उन्होंने डिस्कवर किया कि वो पुश ही नहीं और पुश नहीं कर सकते, दैट्स इट, दिस इज इट, वो ज़्यादा पुश, इससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। एक पॉइंट उनकी डेवलपमेंट में आया। और वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमैनिटी है, वो भी अभी सिमिलर पॉइंट पे है, जस्ट सेम एज लायरन्स। कहते हैं पुशिंग जो है वो इतनी पेनफुल हो गई लायरन्स के लिए और उनका खुद का ही नुकसान करने लगी वो। और वो अवेयरनेस में आए, उन्होंने ये देखा कि हम ये जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, जो पुशिनेस की एनर्जी है, ये अब हमें खुद को नुकसान करने लग गई है ये, और ये बहुत ही पेनफुल हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी फ्रेंड्स, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कितनी सफरिंग नज़र आती है अभी अर्थ पे। अगर आप अपने नेबरहुड में देखें, अपनी फैमिलीज में देखें, अपने वर्क प्लेस में देखें, सो देर इज सो मच सफरिंग। अगर आप देखना चाहें, हम कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव फैलाना है, लेकिन अगर आप देखें तो देर इज सो मच सफरिंग गोइंग ऑन, राइट? तो सेम ही लायरेंस जो है उनका एक पॉइंट आया जिसमें उन्होंने रियलाइज किया कि दिस इज इट, दिस इज द लिमिट, इसके आगे हम और नहीं बढ़ सकते, हमें इवॉल्व होना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देती हैं साशा की, जैसे ह्यूमैनिटी है, वो कहती है जो पीपल ऑन अर्थ दे ट्राई टू मैनिफेस्ट देयर रियलिटी। तो हमने देखा है कि मैनिफेस्टेशन पे कितना जोर दिया गया है, कितना फैलाया जा रहा है, अवेयरनेस में डाला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग, दिस टेल्स अस आर पावर, कि हम कितने पावरफुल हैं, वी कैन मैनिफेस्ट इट आवर सेल्व्स, एवरीथिंग इज मेंटल, एवरीथिंग इज थॉट्स। तो हम लोग मैनिफेस्टेशन पे हमने बहुत वर्कशॉप्स भी की हैं, बुक्स भी पढ़ी हैं, काफ़ी कुछ किया है। लेकिन साशा बोलती है कि क्या ह्यूमंस क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में अभी मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, वो जो है मैनिफेस्ट करते हैं फोर्स के साथ, दे जस्ट वॉन्ट इट टू हैपन, और जब वो नहीं होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम अपना अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, गो विद द यूनिवर्सल फ्लो एज वेल, डोंट सिट इन योर मेडिटेशन विद एक्सपेक्टेशंस, जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल सी दैट मैनिफेस्टेशन हैपनिंग वेरी क्विकली फॉर यू। तो बैक टू लायरेंस फ्रेंड्स, तो बिगेस्ट लायरेंस का जो चैलेंज था वो था कि उनको जो ये लेटिंग गो वाली जो आर्केटाइप था, लेटिंग गो वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो उनको अपने अंदर लेके आना था फ्रेंड्स। और वो कहते हैं कि लायरेंस को बहुत ही लंबा टाइम लगा अपने इवोल्यूशन के लिए, उनको इवॉल्व होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट आर्केटाइप थे फ्रेंड्स, उनके लिए कोई और स्पीशीज नहीं थे जिनसे वो सीख पाते। वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग ऑल दिस टीचिंग्स, ऑल दिस विजडम थ्रू दिस वंडरफुल बुक, थ्रू दिस वंडरफुल चैनलर मिस लाइजा।
राइट लेकिन जो लायरन्स थे उनके पास उनको सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, उन्होंने अपने आप इवॉल्व करके धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि थप्पड़ खा खा के, ठोकरे खा खा के सीखा उन्होंने, तो उनको बहुत ही लंबा टाइम लगा ये सब सीखने में, अपने आप को इवॉल्व करने में. दैट इज़ वाई दे आर फुल ऑफ विजडम एंड नाउ देर आर 12 डायमेंशनल बींग्स, यू नो. और साशा ये भी बोलते हैं कि जब ह्यूमंस में जब कुछ पेनफुल होता है, कुछ पेन होता है, तो वो अपने आप को चेंज तो करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्कमस्टांसेस ठीक हो जाते हैं और वो सब दे गो बैक टू दी ओल्ड वेज ऑफ लिविंग. वो ये भी जो है, मतलब प्लेडियंस ने ह्यूमैनिटी में ये भी ऑब्जर्व किया है कि दिस इज व्हाट ह्यूमंस डू, दे मेक चेंजेस व्हेन द सिचुएशन इज पेनफुल. हाउएवर जैसे ही सिचुएशन बेटर होती है, दे गो बैक टू, वी गो बैक टू द ओल्ड सेल्फ. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन दैट दे आर टेलिंग अस. और जब लायरेंस को जब एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे अनएंडिंग पेन थी, यू नो देयर वाज सो मच पेन, एंड दे न्यू एट दैट मोमेंट दैट इट वाज द सिग्नल दैट देयर स्पीशीज नीडेड टू शिफ्ट. उनको एक शिफ्ट अंदर लेके आना जरूरी था इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अदरवाइज दे वुड हैव बीन एक्सटिंक्ट. और उनकी चाबी क्या थी फ्रेंड्स? दैट की वॉज लुकिंग विद इन, यू नो, यूजिंग द इंटेंस प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन. और हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग जो मेडिटेशन में आए हैं पथरी सर के थ्रू, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द सेम थिंग थ्रू मेडिटेशन. वी आर लुकिंग विद इन, वी आर गोइंग विद इन, और अपने आप पे काम कर रहे हैं. कितने सारी वर्कशॉप्स की हैं हमने फ्रेंड्स, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, सेल्फ विजडम, इनर जर्नी, कितनी सारी हमने वर्कशॉप्स की हैं. कितनी विजडम मास्टर्स शेयर कर रहे हैं, सीनियर मास्टर्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर. तो वो हम अपने आप पे ही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स. अगर आप अपनी लाइफ को देखें मेडिटेशन से आने से पहले और मेडिटेशन के आने के बाद, अपनी लाइफ को कंपेयर कीजिए, तो इतने बड़े बड़े चेंजेस है. एवरीबडी सेज दैट. और क्यों चेंजेस हैं वो? क्योंकि हम भी यही काम कर रहे हैं. वी आर लुकिंग विद इन एंड ऑल्सो वी आर डूइंग इट सेल्फ ऑब्जर्वेशन. अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर रहे हैं, मोर फेमिनिन एनर्जी को अपना रहे हैं, वननेस की एनर्जी को अपना रहे हैं, एज अ सबको अपनी एक फैमिली की तरह देख रहे हैं. तो जो लायरन्स जो हैं उन्होंने भी यही किया था फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके. काम तो फ्रेंड्स खुद ही पे ही करना पड़ता है. तो लायरन्स जो हैं हमारी स्टार फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने भी यही सेम तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया. फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया. यहाँ पर जब मिस लाइजा जब चैनल कर रही थी, तो शी वुड डू दिस चैनलिंग इन अ ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल. और वो जो ग्रुप के लोग थे वो कुछ ना कुछ कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते थे, उनको आज़ादी थी. और जो साशा थी उस क्वेश्चन का आंसर करती थी मिस लाइजा के थ्रू. तो यहाँ पर एक जो पार्टिसिपेंट थे, एक जो वहाँ पर मेंबर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन, क्योंकि वो क्यूरियस थे लायरन्स के बारे में और जानने के लिए, तो वो पूछती हैं कि जो लायरन्स थी उनमें भी जेंडर थे, जैसे हमारे में मेल फीमेल जेंडर होता है, क्या उनमें भी जेंडर्स थे? और कहती हैं अगर थे तो उनमें डायनामिक्स कैसे थे? क्योंकि ये जो चैनलिंग है ये जापान में हुई थी, तो वो जापान की कल्चर के थ्रू, और ये कल्चर आप और जगह भी देख सकते हैं, तो उसके थ्रू वो क्वेश्चन पूछती हैं कि जो जो डायनामिक्स हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, इज इट द सेम लाइक हेयर ऑन अर्थ, जिसमें कि हस्बैंड जो होता है यूजुअली एरोगेंट होता है, बहुत आउट गोइंग होता है, मनी अर्नर होता है, यू नो, और जो वाइफ है वो घर पर रहकर, यू नो, बच्चे बच्चे देखती है, घर देखती है, पेरेंट्स को देखती है, और बैलेंस करती है उस एनर्जी को.
तो ये क्वेश्चन वो पूछती हैं, तो यहाँ पर साशा ने उसका भी जवाब दिया। वो कहती है कि जो तुम्हारी बॉडीज हैं, क्योंकि लायरन्स हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम लायरन से आए हैं, लायरन्स हमसे नहीं आए हैं, तो कहती हैं कि जो तुम्हारी बॉडीज, तुम्हारी फिजिकल बॉडीज हैं, वो लायरन से, लायरन्स की तरह ही मॉडल्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज होंगी हमारी और लायरन्स की बॉडीज में। लेकिन वो कहती हैं जो लायरन्स हैं वो बहुत ही टॉल, बहुत ही टॉल हैं, जिनको हम जायंट्स बोलेंगे। अगर हम अपनी अर्थ लैंग्वेज में बोलेंगे तो जायंट्स है लायरन्स। वो बहुत ही ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा लार्जर हैं, उनका शेप काफ़ी बड़ा है। और वो कहती है कि जो जेंडर डिफरेंसेस है उसमें, कहती है कि शुरू में जेंडर डिफरेंसेस थे लायरन्स में, जिसमें कि जो मेल पार्ट होता था वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा फोकस था मैस्कुलिन एनर्जी में, और बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे जो मेल्स जेंडर थे लायरन्स में, और जो जेंडर रोल थे वो भी डिफरेंट थे शुरू में। लेकिन वो कहती हैं जैसे जैसे उन्होंने इवॉल्व किया, जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, वुमेन्स जो थी वो भी बहुत ही फियर्स और स्ट्रॉन्ग हो गई, उनको भी जो बैलेंस है वो होने लगा। और यहाँ पे वो बोलती हैं कि ये जो सब है आर्केटिपल मेमोरी जो है, ये आपके अंदर भी है, हमें, हम सब के अंदर है ये फ्रेंड्स, लेकिन हमें याद नहीं है। दैट्स द थिंग, बिकॉज वी आर इन दिस 3D प्लेन। तो यहाँ पर उन्होंने इस सवाल का बहुत ही अच्छे से आंसर किया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स तो अगेन जो ल्यूरियन पाथ टू अवेकनिंग है, तो इसमें यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे उन्होंने हमें हमें जो है एक दी है कि हम ह्यूमंस कैसे कर सकते हैं, उनकी ह्यूमैनिटी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया कि व्हाट वुड बी सम टिप्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर साशा जो है वो बोलती हैं कि ऑब्जर्व योर इमोशनल बॉडी, ऑब्जर्व योर इमोशनल बॉडी। फ्रेंड्स ये जो है मैसेज हमें बहुत सारी बुक्स में मिला गया है। ये जो मैसेज है हमें, अगर आप सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक पढ़ें, या फिर और भी बुक्स हैं जो पढ़ा जाए, उसमें इमोशनल बॉडी को हील करने के लिए बहुत बहुत रीएनफोर्स किया गया है उसको। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो मोस्ट ह्यूमंस हैं दे पुश डाउन देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं, देयर अदर फैमिलीज एज वेल जिन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन ह्यूमैनिटी भी उसमें एक ही है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम दबाते रहते हैं। हमें सिखाया गया है कि लड़की को ऐसे बिहेव करना चाहिए, लड़के को ऐसे बिहेव करना चाहिए, दीज आर ऑल बिलीफ सिस्टम्स। तो हमें हम इमोशनल बॉडी को हमने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, और ये जो सप्रेशन है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सेट हो गई, और नॉट जस्ट फ्रॉम दिस जनरेशन, इट्स फ्रॉम सो मैनी जनरेशन्स, बहुत सारी जनरेशन। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने जो अपने इमोशंस को सप्रेस किया है वो हमारे अंदर भी आते हैं, वो एक पेरेंट से बेबी के अंदर भी आते हैं, क्योंकि दे आर ऑल स्टोर्ड इन आर DNA। तो ये जो इमोशंस हैं ये हमारे अनकॉन्शियस में, जो डिप्रेस्ड इमोशंस हैं अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और वो दे पुश डाउन फॉर जनरेशंस। और वो जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलते हैं। वो कैसे बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स? वो डिजीज़ के बारे में, सॉरी, डिजीज़ के थ्रू बाहर निकलते हैं। कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, या कोई मेंटल इलनेस हो जाती है। तो इस तरीके से जो हैं हमारे सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं, और हम लोग क्यों दबा देते हैं? क्योंकि हमें उस पेन से नहीं निकलना है, सिंपल सी बात है। हम वो पेन जो है, जो वो इमोशंस लेकर आएंगे, हम उससे नहीं निकलना चाहते हैं, तो इस करके हम रिप्रेस रिप्रेस करते जाते हैं। तो एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे कि
अब तो टाइम शायद मे बी देयर डिफरेंट टाइम्स होते हैं. अगर किसी जैसे लड़के को किसी से इन सो मेनी कल्चर्स किसी लड़की से प्यार हो गया है, उससे शादी करनी है, बट हमें सिखाया जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ ये ठीक रहेगा फ्यूचर के लिए, ये लड़की के साथ ऐसा होता है. देर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी दिस सोशल नॉर्म्स जो हमें सिखाए जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, अगर वो कोई बंदा अगर उसमें से निकल रहा है तो वो सारी की सारी जो इमोशंस है उसके रिप्रेस्ड हो गए हैं, वो दबा देता है बंदा कि चलो वॉट एवर इज़ गुड फॉर माई फ्यूचर दैट इज़ गुड फॉर मी, जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं वही ठीक हो, लेकिन वो इमोशंस रिप्रेस्ड हो गए. और वो इमोशंस जो हैं कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में बाहर आते हैं, या तो बीमारियों के रूप में या कोई मेंटल इलनेस के डिप्रेशन के रूप में, इस तरीके से इमोशंस जो हैं बाहर आते हैं. तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस पे काम करें. इमोशंस पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है. अपने इमोशंस को, अगर आप ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बोला गया है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए. हमने जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में दीप्ति मैम हमें कितना हमें बताया गया है कि अपने इमोशंस को प्यार कीजिए, से आई लव यू. तो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो ह्यूमंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपनी जो इमोशनल बॉडी है उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंडिविजुअल लाइफ में भी देखें फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इमोशनल बॉडी पे काम करें. एक चीज़ जो मैंने सीखी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक जर्नल बनाएं और उस जर्नल में अपने जितने भी थॉट्स आते हैं आपके, चाहे गंदे से गंदा थॉट हो, बहुत ही ख़राब थॉट हो जो आपको ठीक नहीं लगता, वो भी थॉट उसमें लिखें. चाहे कैसा भी थॉट हो, किसी के प्रति थॉट हो, आपके खुद के प्रति थॉट हो, आपकी जॉब के प्रति, कुछ भी, चाहे वो खराब से खराब थॉट हो, राइट दोज थॉट्स, राइट एवरी सिंगल थॉट इन दैट जर्नल एवरी डे, एंड यू विल सी फ्रेंड्स योर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड. यू विल सी दैट. बहुत बहुत ज़रूरी है ये करना, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ. और जो चीज़ें आप किसी को नहीं बोल पाते, राइट इन दैट जर्नल, एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली फ्रेंड्स. अपने जो हमारे इमोशंस हैं उसको एक फ्लूइड की तरह, हम लोग एक फ्लूइड जैसे नदी बहती है, राइट, उस तरीके से अपने इमोशंस को हम एम्ब्रेस करें. और इमोशंस के साथ, इज इट इट्स ओके इफ वी आर गोइंग थ्रू पेन, एक्सेप्ट दैट इट इज़ ओके. इट इज़ ओके इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग, इट इज़ ओके. अपनी उसमें गिल्टी में ना जाए. माया एंजलो करके एक बहुत ही पायनियर पोएट राइटर इन्फ्लुएंसर रही हैं. शी इज़ नॉट इन द बॉडी एनी मोर. शी इज़ द मेंटर ऑफ ओपरा विनफ्री, आपने उनका नाम सुना होगा. तो उनकी मुझे एक लाइन बहुत पसंद आती है. वो हमेशा बोलती थी, वो सिखाती थी कि हम पास्ट को लेके हम लोग इतने परेशान रहते हैं, लेकिन उनका जो थिंकिंग थी जो उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की थी, वो कहती हैं कि इफ़ आई हैड नोन बेटर आई वुड हैव डन बेटर. अगर मुझे पता होता, अगर मुझे बेहतर पता होता तो मैं बेहतर करती. मुझे बेहतर नहीं पता था, जितना मुझे पता था मैंने अपनी समझ के अनुसार अपना बेस्ट दिया है. नाउ आई नो बेटर, क्योंकि मैं इतने एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, अपनी विजडम मैंने इंक्रीज की है. नाउ आई नो बेटर सो आई विल डू बेटर. तो अब मुझे अवेयरनेस है, अब मुझे मैच्योरिटी है, तो अब वो सेम सिचुएशन अगर आती है जो कभी पास्ट में आई थी, तो आई विल डू बेटर फॉर दैट. तो अपने आप जो एक गिल्ट है, अपने आप उसको निकाल दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए. यस, हमने कुछ खराब किया है, कुछ गलत किया है, कुछ गलत हो गया है. इट्स ओके, इट्स ओके. वी आर ह्यूमंस, वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी. नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ. सो एक्सेप्ट इट. इमोशंस जो है ऐसे ही हील होंगे फ्रेंड्स. जर्नल बनाइए, अपने सारे थॉट्स लिखिए, खराब से खराब, अच्छी से अच्छी, और अपने इमोशंस को बहने दीजिए. अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए फ्रेंड्स. जो भी आप हैं, यू आर द परफेक्ट, परफेक्ट, यू आर कंप्लीट, नथिंग एल्स डिफाइंस यू फ्रेंड्स. ये मेरा आज का मैसेज रहेगा फ्रेंड्स. और देखते हैं, शायद एक और स्लाइड पड़ी है. तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में है फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड है ये. इसमें
वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया है कि अपनी जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत सिंपल बिहेवियर पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं लोगों से कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जल्दी सुबह नहीं, कई लोग सुबह 2:30-3 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, और हम नहीं उठ पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप से ही एक नफरत सी करने लग जाते हैं, एक थॉट आ जाती है अंदर से, अपने आप से इरिटेशन होने लग जाती है। तो अपने बिहेवियर पैटर्न्स को देखिए, इट्स ओके अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं। अपने थॉट्स को देखिए, अपने इमोशंस को देखिए और उनको एम्ब्रेस करिए, गले लगाइए, अपने आप को जज नहीं कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए वो सब फील करने के लिए। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट्स हैपनिंग ओनली टू हेल्प यू ग्रो। सो थैंक यू कीजिए उन सारे सर्कमस्टांसेस का जो आपको यहाँ तक लेकर आई हैं फ्रेंड्स। और अपने जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं उसको भी एम्ब्रेस कीजिए, उसको ओन कीजिए कि हाँ मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, इट इज़ ओके। एम्ब्रेस कीजिए, ओन कीजिए, गिल्टी में नहीं जाना है, जज नहीं करना है, ना अपने आप को ना किसी को, अपने आप को प्यार करना है बस। हम जो हैं लव बीइंग्स है फ्रेंड्स, हम वननेस से आए हैं, गोल्डन लेक से आए हैं, और गोल्डन लेक में क्या है, गोल्डन लेक में सिर्फ यूनिवर्सल लव है। तो अगर हम उस यूनिवर्सल लव से, उस ब्लिसफुल प्रीमोर्डियल जॉय से अगर हम बाहर आए हैं, तो हम दुखी कैसे हो सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इनकम्प्लीट कैसे हो सकते हैं, हम नीचे गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर परफेक्ट बीइंग्स। सो अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी इमोशनल बॉडी को पे काम कीजिए। जो होपफुली जो मैंने बोला है जर्नल बनाना, वो आपको हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट्स में शेयर कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड आई रियली रियली होप कि आपको ये जो बुक्स हैं, ये जो सेशंस मैं बना रही हूँ, आपको हेल्पफुल हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा हो, आप अपनी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ा पा रहे हो फ्रेंड्स। एंड बिग थैंक यू टू पथरी सर फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर एंड यू नो ओपनिंग दिस वंडरफुल डोर फॉर अस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू।